सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स टेक सखी कार्यक्रम के तहत नैरोकास्टिंग का आयोजन आज किया गया। अभी कृतिका जी हमारे साथ हैं। कृतिका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ सीखने को आपको मिला? मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए मिला। आपसे पता चला कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आपसे हेल्पलाइन नंबर वगैरह, अगर किसी की फेक्स कॉल आए तो उन्हें OTP वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। भावनी शर्मा जी, जैसे आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपको बताई, इंटरनेट से जुड़ी हुई, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हमने आपको बताई है, वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह शेयर करेंगे आप? मैं पहले तो अपने, आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वो उन्हें शेयर करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि कैसे आप अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं जगह जगह जाकर। अननोन पर्सन के फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आते हैं पर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर ऐसा लगे कि नॉन पर्सन ने उन्हें फॉलो किया है तो पूछ लेते हैं पहले उनसे, बाकी एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिल, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो आज जैसे बहुत सारी जानकारियाँ हमने आपको बताई इंटरनेट से जुड़ी हुई, क्या कुछ आपको ऑब्जर्व करने को मिला? सर, आपके इस अवेयरनेस कैंपेन से हमें बहुत हेल्प मिली है, कैसे साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, अनफ्रॉडेड कॉल से बचा जा सकता है। आपने हमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिससे हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट करके सिक्योर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी आता है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, उससे ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा अकाउंट। और अगर किसी को एंटरटेनमेंट वे में अगर इस चीज़ को सीखना है तो एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर जमतारा करके, आप उसे देख सकते हैं कि साइबर क्राइम से कैसा बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।